अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेना है, और 1 किलो चिकन के लिए हमें 3/4 कप ऑयल में सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे, 2 छोटी प्याज को। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 3/4 कप में ऑयल लिया चिकन कढ़ाई बनाने के लिए, और उसके अंदर मैंने 2 प्याज ब्राउन करके निकाल ली हैं। अब इसी ऑयल के अंदर अब हम डालेंगे नमक। सबसे पहले ब्राउन की हुई प्याज को हमने निकाल के साइड पर रख लिया है, ठीक है, उसको हम बाद में डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक पहले कम डालेंगे, फिर बाद में अगर हमें कम लगेगा तो और ऐड कर देंगे, वरना फिर ज़्यादा हो गया तो मसला हो जाएगा। नमक डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, वह गर्म ऑयल के अंदर हम चिकन डालेंगे। ठीक है, हम चिकन हाथ से डालें, वरना चिकन में होगा क्या कि सारा जो है वो पानी इसका जब जलेगा तो छींटे उड़ेंगे। ठीक है, अब इस चिकन को हमने तकरीबन भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अच्छा, अब हमने इसको इस तरह कलर्स का चेंज हो गया है, आपको दिख रहा होगा कि ये तकरीबन वाइट कलर हो गया है इसका। इसमें इस वक्त हमें जो है लहसुन अदरक डालना है इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो पेस्ट है मेरे पास क्यूब्स हैं ये देखें ऐसे। ठीक है, 1.5 चम्मच कम से कम, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक इसमें डाल दीजिए, और उसके बाद से फिर भूनना है हमें, और थोड़ा सा भूने और 5 मिनट और भूनना है। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या मसाले ऐड करने हैं। जब तक आपकी चिकन जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने चूल्हे पर रखी है, तब तक आप टमाटर लिए हैं मैंने, 6 बड़े टमाटर लिए हैं, उनका छिलका उतार लिया है। ये छिलका उतरा हुआ देखें, ठीक है, ये या फिर आप उनको थोड़ा सा बॉईल कर लें, तो बॉईल करते ही गर्म पानी में डालते ही उनका छिलका उतर जाएगा बड़े आराम से। फिर उसका अंदर का जो गूदा है वो आप निकाल कर जो है वो ऐसे काट के डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप करके रखें, और फिर जैसी चिकन होती है 10 मिनट में, तो मैं आपको बताती हूँ कि साथ साथ क्या मसाले डालने हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। ये देखें चिकन इस तरह हो गई है, इसमें पानी आ गया है काफ़ी। अब हमने करना क्या है कि इसी वक्त इसी पोजीशन में इसके अंदर हमने टमाटर डालने हैं जो मैंने छील के रखे हुए थे, ये रहे 6 बड़े टमाटर छील के, इसका छिलका उतार दें, और फिर इसको कर दें, और फिर अब इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दें, और इनको फिर हम दोबारा छोड़ देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह जो है वो ज़रा से नरम हो जाए, फिर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। इसको फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ें, उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसको ढक दें 2-3 मिनट के लिए। हाँ जी, अब आपने देख लिया कि ये टमाटर का जो है बिल्कुल इसमें ग्रेवी में मिक्स हो गया है। ये देखें टमाटर, ये भुनाई में सब यकजान हो जाएगा, ये सिर्फ नरम करने थे हमें, जो कि ऑलरेडी हमने नरम कर लिए हैं। मैंने बहुत तेज़ आंच पे ये कढ़ाई नहीं बनाई है, क्योंकि ये चिकन जो है हाफ डन है, हाफ डन अभी होगी, भूनेंगे जब हम तब हम तेज़ आंच पे भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ऐड करेंगे, जो प्याज़ मैंने ब्राउन की थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया। ये देखिए इस सारे पेस्ट को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, बस थोड़े से पानी में मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, ताकि हमें कुछ ग्रेवी चाहिए, बाज़ार वाली कढ़ाई में ग्रेवी नहीं होती। ठीक है जी, मैंने इसमें प्याज की ग्रेवी डाल के मिला दिया है, और साथ साथ ही अब हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इसमें ये कम से कम भी, कम से कम आप समझ लीजिए 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर, और धनिया पाउडर डालूँगी। धनिया पाउडर भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है मैंने इसमें, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, और 1/4 टीस्पून मैं ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालूँगी, बस ज़रा सा, और ब्लैक पेपर डालूँगी, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून अगर आपको आइडिया हो तो। ठीक है जी, और अच्छा, इसके अंदर अब हमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करूँगी, लाल कुटी हुई मिर्चें, ये देखें, लेकिन ये बहुत कम ऐड करेंगे हम, बस
हाफ़ टी स्पून मेरा ख्याल है इनाफ है, क्योंकि हम एक टी स्पून लाल मिर्च डाल चुके हैं। अगर आप हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई डालें तो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखें लाइट ऑफ करके और ये लाइट ऑन करके, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब सिर्फ रह गया गरम मसाला पाउडर। वैसे मैं एंड में ऐड करती लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें अभी डाल देना बेहतर है। ये देखें बस पैकेट का है, मैं पैकेट का डाल रही हूँ, बस मैं ज़्यादा नहीं डालूँ। और इसके अंदर अब थोड़ा सा मैं डालूँगी हरा धनिया खुशबू के लिए, ठीक है। और फिर इसकी हम अच्छे से करेंगे भुनाई। अभी मैं इसमें हरी मिर्च ऐड नहीं करी, हरी मिर्च मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी, ज़रा इसकी ग्रेवी भुन जाए। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक देंगे और ढककर इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, गल जाए उसके बाद, और इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए इसकी तकरीबन ग्रेवी खुश्क हो गई थी, मैंने थोड़ा सा ज़रा सा पानी और डाला है ताकि जितना मुझे ग्रेवी रखनी है। मैं आपको ज़रा सा दिखाती हूँ, ये चिकन पूरी गल चुकी है, ठीक है। ये देखें। अब ये पानी आपको और खुश करना है तो आप कर सकते हैं, मुझे थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है इसलिए मैं इस ग्रेवी को रखूँगी। इसीलिए मैंने इसमें प्याज़ ऐड की थी, ताकि प्याज़ ऐड करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही थी कि इसमें थोड़ा सा ग्रेवी हो ताकि आप चावल के साथ खा सकें इसे। अगर आपको और ड्राई करना है, आप तेज़ आंच पे और ड्राई करके फिर हल्की आंच पे ऑयल ऊपर आने के लिए रख सकते हैं 1 मिनट के लिए, और फिर सर्विंग के वक्त इसमें आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा तेज़ कर सकती हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाह रही है, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा, चले मैं इसको करके बताती हूँ आपको, ओके, ठीक है। अब इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया है, ग्रेवी तकरीबन इसकी जो है वो ड्राई हो चुकी है और इतनी थोड़ी तो मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें अब इस मोमेंट पर ऐड करेंगे। 3 बड़ी हरी मिर्चें मैंने बीच में से काट के इसमें ऐड कर दी हैं, और थोड़ा सा अगर आप हरा धनिया चाहते हैं तो वो तो हमारे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें ये इसमें आप ऐड कर दें हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये देखिए मटर चिकन कढ़ाई जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और हमने इसको हरा धनिया हरी मिर्च से गार्निश कर दिया है। ये देखिए हल्का हल्का इसमें ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है। इस टाइम आप चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको ढक दीजिए, और फिर जब आप गरम गरम नान के साथ सर्व कीजिए।